हेलो एवरीवन, मैं हूँ संगीता। मेरे चैनल मेरे किचन स्पाइस पेंट्री में आप सबको स्वागत है। गर्मी में परवल एक मेन वेजिटेबल्स माना जाता है, पर एवरीडे परवल खाते खाते भी हम बोर हो जाते हैं। परवल को अगर थोड़ा सा डिफरेंट वे से बनाया जाए तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। आज का रेसिपी वैसा ही कुछ है। परवल का सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में ले लिया सरसों का तेल। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा, फ्लेम मीडियम पे कर देंगे। ऐड कर देना है कलौंजी। जैसे ही कलौंजी चटकना शुरू होगा, ऐड कर देना है लंबाई में कटा हुआ आलू एंड परवल। आलू को छिलका निकाल के लंबाई में काट लिया, अच्छे से धो लिया। परवल को भी छिलका निकाल के लंबाई में काट लिया, धो के तेल के अंदर ऐड कर दिया। ऐड किया स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। सब कुछ अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट लगा के अभी सब्जी को मैं भून रही हूँ। 3 से 4 मिनट हो चुका है, हल्का सा सब्जी भूनना हो चुका है। इस टाइम पे ऐड कर देना है स्लाइस में कटा हुआ प्याज। 2 बड़े साइज का प्याज ले लिया, अच्छे से मिक्स करके अभी तीनों चीज़ों को एक साथ फ्राई कर लेंगे। फिर से 3 से 4 मिनट लगा के इसे भूनेंगे। कुछ स्लिटेड ग्रीन चिली ऐड कर दिया और थोड़ा सा नमक ऐड किया। 2 से 3 टेबलस्पून पॉपी सीड को पानी के अंदर सोक करके रख दिया था आधे घंटे के लिए। फिर इसे पीस लिया, दरदरा सा पीसा है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया। पॉपी सीड का जो पेस्ट बनाया वो ऐड करके 2 से 3 मिनट फिर से भूना और 1/4 कप पानी ऐड कर दिया। 1/4 टीस्पून चीनी भी ऐड किया, बहुत बढ़िया स्वाद देता है। अच्छे से सब कुछ मिक्स करके ढक्कन लगा के सब्जी नरम होने तक हमें इसे कुक करना है। 2 से 3 मिनट ही लगेगा। 2 से 3 मिनट हो चुका है, सब्जी चेक कर लेते हैं नरम हुआ कि नहीं। सब्जी नरम हो चुका है, एकदम गलना नहीं चाहिए, हल्का सा एक क्रंचीनेस अगर सब्जी में रहेगा तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पानी दिख रहा था, वो भी सूख चुका है। अभी 2 से 3 मिनट लगा के फिर से इसे भून लिया। बस बन चुका है हमारा आलू परवल पॉपी सीड का सब्जी। बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है फ्रेंड्स, गरम राइस के साथ तो अच्छा लगता है, रोटी पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आज का रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।